रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि सर्वाधिक एड्स की घटनाएं मुंबई में हुई हैं और उसके बाद पूर्वांचल में हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय को इस बात की जानकारी होगी कि यह सारे हिंदुस्तान की समस्या है, किसी प्रदेश की समस्या नहीं है। एड्स की बीमारी घातक है। पिछले दिनों बंगलौर में 5 मौतें हुईं जो एड्स के कारण हुईं, और उनमें 2 विदेशी थे और 3 स्वदेशी थे। गोवा में यह समस्या है। यह समस्या किसी शहर की, किसी बस्ती की समस्या नहीं है, यह पूरे समाज की समस्या है। मुझे डर उनका नहीं है जो पापों के गुनाहगार हैं, मुझे डर उनका है जो निष्पाप हैं। नशीली दवाओं की सुइयों के कारण 20% लोगों को एड्स होती है। नशीली दवाओं की सुइयों को रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि खुद नशीली दवा को सेवन करने वाले को इस बात की परवाह नहीं होती कि सुई नई है या पुरानी है, वह चिंता नहीं करता। स्वास्थ्य मंत्रालय जानता है कि पूर्वांचल में जो सारे एड्स के मामले हैं वे नशीली दवाओं के कारण हैं, और मैं यह मानता हूं कि यह जो ड्रग माफिया है इसके कारण लोग मर भी रहे हैं, और उसके साथ साथ सुई का उपयोग करने के कारण वे एड्स को रोकने फैलने का काम भी कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि केवल स्वास्थ्य मंत्रालय को ही नहीं, गृह मंत्रालय को भी, अन्य मंत्रालयों को, पूरे हिंदुस्तान को मिलकर नशीली दवाओं की सुइयों के संबंध में विचार करना पड़ेगा और किसी प्रकार की कोई कानूनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब उन माताओं के संबंध में कहना चाहता हूँ जिन माताओं को एड्स हो चुका है, अगर वे माताएं बच्चे को जन्म देती हैं तो वह लड़का हो या लड़की, वह विष पुत्र या विष कन्या है। इसलिए इस विष कन्या के लिए चरक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी एड्स की महिला किसी प्रसव को जन्म देती है तो वह विषाक्त व्यक्ति बनता है, और जो उस व्यक्ति के संपर्क में आएगा उसको एड्स लग जाएगा। इसलिए कम से कम जिस महिला को एड्स हो चुका है उसके गर्भ धारण पर प्रतिबंध लगाने की बात पर हमें कोई ना कोई विचार करना पड़ेगा, कानून बनाना ही पड़ेगा। इस पर एक राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। मैं तो इस समस्या को सामने ला रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, आखिर में जो एड्स माताएं एड्स पुत्र और एड्स कन्याओं को जन्म देती हैं, इससे इस देश को बचाने के लिए क्या करें? मैं समाप्ति पर आ रहा हूँ। यह बहुत आवश्यक है। एड्स की कोई दवा नहीं है, ना पहले ले सकते हैं और ना बाद में ले सकते हैं।
दुर्भाग्य की बात तो यह है कि एड्स का कभी 6 महीने के भीतर पता चलता है और कभी 10 वर्षों के बाद पता चलता है। जब पता चलता है तो उसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए एड्स की कोई ना कोई दवा निकाली जाए और मानव बुद्धि इसका सामना करे। इसकी हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जब तक दवा ना मिले तब तक हमारे पास क्या उपाय है, हम क्या कर सकते हैं? इसमें तो जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है शिक्षा एड्स पर। अगर मुझे आप क्षमा करें तो समाज के जो नेता हैं, वे मंत्री हों या संसद सदस्य हों, सब कहते हैं इस विषय को छूना नहीं है, इसकी चर्चा नहीं करनी है, यह गंदी चर्चा है। मैंने जब इसके लिए आधे घंटे की चर्चा मांगी तब कुछ लोगों ने कहा कि क्या आपको कोई और विषय नहीं मिला जो एड्स पर चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूं, इस प्रकार की स्थिति है, ऐसा मेरे कुछ मित्रों ने कहा, संसद सदस्यों ने कहा, उन्होंने मान लिया, इसलिए हुई है। मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार की गलत धारणा एड्स के बारे में है। बिहार में पटना ब्लड बैंक के एक व्यक्ति ने, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वे उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने जो कहा है उसको मैं यहाँ पर पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, मैं उनको दोष नहीं देता। अगर ऐसा है तो गुजरात कहेगा कि यहाँ कृष्ण हुए इसलिए नहीं हो सकता, महाराष्ट्र कहेगा कि क्योंकि यहाँ शिवाजी हुए इसलिए यह महाराष्ट्र में नहीं हो सकता। मैं किसी प्रांत की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अज्ञान कहाँ तक हो सकता है, यह इससे पता चलता है कि एक ब्लड बैंक जलाने वाला व्यक्ति यह खुद कहे कि क्योंकि वह गौतम बुद्ध की भूमि है इसलिए यहाँ पर एड्स होने की संभावना ही नहीं है। अगर हम ऐसे विषयों को इसी तरह नीचे धकेलने की कोशिश करेंगे तो इससे रास्ता नहीं निकलेगा।